अरे मच्छर आंख बुझा दे। हाय वेलकम वेलकम टू माय व्लॉग। हाय वेलकम टू माय व्लॉग। फ्यू मोमेंट्स लेटर। हाय वेलकम टू माय व्लॉग। लाइक और शेयर करो। हे गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आज क्या है आप लोगों को मालूमगा, थंबनेल देख लिए होंगे आप लोग। सो गाइज अपन ज़्यादा बातें नहीं करके एक्सप्लोर करेंगे अपन आज क्या करने वाले, क्या नहीं करने वाले। ये पूरा व्लॉग में मिल जाएगा आपको, स्किप न को करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मिलेंगे आगे आगे। सो गाइज देख सकते हैं यहाँ पर कितना पीस है, कितनी ग्रीनरी है और फ्रेश एयर भी आ रही है यहाँ पे। मैं अकेला हूँ इसलिए ज़्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मस्त है गाइस यहाँ पे, एकदम का सुकून है यहाँ पे। ये देखो गाइस खाली झाड़ा झाड़ा है चारों तरफ। चलो आगे जाएंगे और देखेंगे। सो गाइस ये था अपना आज का दिन, हम बहुत मज़े आए मेरे को, बहुत ज़्यादा लोगों के विशेष आए। इंस्टाग्राम स्नैपचैट मेरा रात में कुछ ग्लिच की वजह से काम नहीं कर रहा था, तो मैं रात में मेंशंस किसी को नहीं करा, किसी को रिप्लाइज नहीं दिया। तो अभी थोड़े लोगों के मैं मेंशन नहीं करा इंस्टाग्राम में, तो आप लोगों को सॉरी कहीं को बोले तो कुछ ग्लिच की वजह से सिर्फ थोड़े मेंशन आ रहे मेरे आईडी में। जितने लोग आप लोगों को इतना टाइम निकाल के मेरे लिए एक मेंशन करे बहुत खुशी हुई। गिफ्ट से ज़्यादा जो मेंशन करता, जो विश करता, सबसे ज़्यादा खुशी बोले तो उसमें चली थी गाइस। तो मेरे को बहुत सारे गिफ्ट भी आए, लेकिन सबसे अच्छा गिफ्ट और एक गिफ्ट आया मेरे को ये वाला, पता नहीं क्या है इसके अंदर, देखेंगे ओपन करेंगे। गाइस ये वाला गिफ्ट आया मेरे को, अरे मारा दी करो, मारा दी करो। कैसा है गाइस कमेंट करके बताओ, मेरे को तो बहुत पसंद आया ये गिफ्ट फ्रेम है गाइस। ये रूम में लगा सकते, मेरे पीछे दीवार पे लगा के इसके सामने रिंगलेट लगाए तो मस्त दिख के आता गाइस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अमेजिंग गिफ्ट, जो भी दिए। इतने अच्छे पिक्चर गाइस मेरे जाजा के, ये वाली फोटो लगा के दिए इसके ऊपर। लेकिन अच्छी है, थैंक यू सो मच। अभी आगे जाके देखेंगे, एंजॉय करेंगे गाइस। आगे मेरे दोस्त वहाँ वेट कर रहे हैं, बाहर जाएंगे लोगों के साथ, थोड़ा एंजॉय करेंगे, जाएंगे वहाँ पे जाके मिलेंगे। सो गाइस ये था अपना आज का वीडियो, अपन ऑर्फनेज के वहाँ पे जाते कि सब लोग विश करें, एकदम इमोशनल का इमोशनल के जैसा फील हुआ गाइस।
बहुत इंजॉय हुआ, मेरे को इमोशनल भी दिखा, मज़े भी आए बहुत। और क्या सो कि मेरे दोस्त लोग केक ले लेके आए, फिर घर के पास हम लोग केक कटिंग करे, मज़ा आ गया। मेरी तबीयत ख़राब थी उसके बाद, मैं क्या सो कि टैबलेट्स लेने के बाद सही हुई। इसके बाद फिर ऑर्फनेज गया, मैं ऑर्फनेज जाके घर आया, घर आके फिर दोस्त लोगों के साथ सेलिब्रेट करा। सेलिब्रेट करे बाद अब व्लॉग एंड नहीं करा था, अब दूसरे दिन मैं व्लॉग का एंड निकाल रहा हूँ। कैसा दिखा कमेंट करके बताओ गाइस, शेयर करो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ब्लॉग कहीं बना बोले तो आप आगे जाके अपन देख सकते हैं अपनी बर्थडे 17 बर्थडे में कैसा करा। ऐसी बनाते रहेंगे गाइस व्लॉग्स, आप लोग बस सपोर्ट दिखाओ आप लोगों का। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, दुआ में आज स्टे करा।